जनवरी से शुरू किए गए कन्या दान सहायता योजना का बैठमा में देपालपुर विधायक विशाल पटेल द्वारा विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक बेटी के लिए अजय विधायक स्व जगदीश पटेल की स्मृति में दिए जा रहे कन्या दान सहायता योजना के पैकेज का वितरण कार्यक्रम शनिवार को रखा गया। अब तक विधानसभा क्षेत्र में 600 से अधिक कन्याओं ने इस कन्यादान पैकेज योजना का लाभ मिल चुका है। अंबेडकर चौराहे के समीप आयोजित इस एक सादे समारोह में 21 बालिकाओं और उनके परिजनों को 44 बर्तन, 1 क्विंटल आटा, 5 साड़ी, मेकअप किट, तेल डब्बा सहित 500 लोगों की भोजन सामग्री वितरित की गई, जिससे पाकर कन्याओं और उनके परिजनों में बेहद खुशी हुई। उन्होंने विधायक को इसके लिए धन्यवाद दिया। उल्लेखनीय है कि विधायक विशाल पटेल पूर्व में विवाह सम्मेलन आयोजित कर प्रतिवर्ष 100 से अधिक बालिकाओं का कन्यादान कार्यक्रम आयोजित करते थे, परंतु विगत 2 वर्षों से कोरोना के चलते यह नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस वर्ष 1 जनवरी से देपालपुर विधानसभा की बेटियों के विवाह करने वाली बालिकाओं के विवाह सामग्री वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर समस्त पार्टी कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। विशाल पटेल के द्वारा हमें बहनों को ये सामान दिया जा रहा है। कोरोना काल के चलते हुए हमारे घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी, उसकी वजह से विधायक सर हमें सामान देकर हमारे माता पिता की बहुत हेल्प कर रहे हैं और हमेशा यही विधायक बनते रहे। थैंक यू विशाल पटेल, हमारे लिए अच्छी योजना चल रही है। ये हम सामान हमें दे रहे हैं। हमारे घर की कोरोना काल के चलते हुए हमारे घर की स्थिति थोड़ी डगमगा गई, लड़कियों के लिए योजना चलाई, हमेशा वही विधायक बनते रहे। विशाल पटेल की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। कोरोना काल में भी 44 बर्तन, 5 साड़ी, तेल का डब्बा, दाल आटा और सब सामान। ये जो आपको सामान मिला इससे आप खुश हो? विधायक जी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? वो हर साल विधायक बेटमा में 21 कन्याओं को सहायता दी गई है। पूरे तहसील में अभी 600 प्लस कन्याओं का सहायता दे चुके हैं विधायक जी विशाल पटेल, और ये योजना लगातार चलती रहेगी। उनकी ऐसी मंशा है कि जो भी गरीब जिनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं हो उसके लिए उन्होंने बोला कि मैं भाई तैयार हूँ बहनों के लिए। किसी भी बहनों को आर्थिक स्थिति से शादी ब्याह में व्यवधान न पैदा हो, ऐसी उनकी मंशा है। और उनका वादा है कि मैं जब तक विधायक रहूँगा जब तक ये योजना चलती रहेगी। और सभी बहनों की ऐसी उनके लिए दुआ है या प्रार्थना है कि वो विधायक हमेशा बने रहे और बहनों की ऐसी सेवा करते रहे। सभी कन्याओं को बहनों को दहेज सामग्री वितरित की जा रही है। विधायक जी का सपना था कि उनकी पिताजी की स्मृति में देपालपुर तहसील की सभी बहनों को शादी की मदद की जाए। आज उसके तहत ही हम अभी तक बेटमा सेक्टर में 81 लोगों को दहेज दे चुके हैं हमारी बहनों को, और देपालपुर तहसील में तकरीबन 500 के ऊपर दहेज हम दे चुके हैं। हमारी बहनों की विधायक बने रहें और ये योजना हर साल चलती रहे। हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में स्थिति खराब थी, आर्थिक स्थिति खराब है, घर की स्थिति खराब है, उसको देखते हुए विधायक ने योजना उनके पिताजी की स्मृति में चालू की है। हम विधायक से ऐसी कामना करते हैं कि ये योजना हमेशा चालू रखें। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।